जिस खेत से दहका को मुयस्सर न हो रोटी, उस खेत के हर शाखे गुंदुम को जला दो। जिस दीन बंधु ने ब्रिटिश वॉयसराय लॉर्ड वेवल के सामने ये हुंकार भरी, उस महान शख्सियत को आज भी किसान वसंत पंचमी के पर्व पर क्यों याद करता है? क्योंकि छोटू राम हर किसान का हौसला है, जो खुशी और गम दोनों में उसके साथ रहता है। हिंदू समाज में सबसे ज्यादा महान भगवान राम को माना गया है, पर राम का एक छोटा रूप ऐसा भी है जिसे सिर्फ हिंदू नहीं, मुसलमान और सिख भी उतनी ही शिद्दत से याद करते हैं। वो है रहबरे आजम सर छोटू राम, जिनका जन्मदिन बड़े ही उत्साह से वसंत पंचमी के दिन मनाया जाता है। बसंत ऋतु में पेड़ों में नई नई कोंपलें निकलनी शुरू हो जाती हैं, नाना प्रकार के मनमोहक फूलों से धरती प्राकृतिक रूप से सज जाती है, आम में मंजर फूट पड़ते हैं, खेतों में सरसों के पीले फूलों की चादर बिछ जाती हैं, कोयल की कूक से दसों दिशाएं गुंजायमान रहती हैं। इतने अच्छे मौसम में किसान अपने मसीहा सर छोटू राम को याद करते हैं। वैसे तो सर छोटू राम का जन्मदिन 24 नवंबर को आता है, मगर उनका जन्मदिन वसंत पंचमी के दिन मनाया जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि छोटू राम जी के समर्थकों ने उनसे उनका जन्मदिन मनाने की मांग की, तो उन्होंने कहा कि अगर आपको मेरा जन्मदिन मनाना ही है तो उस दिन मनाइए जिस दिन किसान सबसे ज़्यादा खुश होता है, और वो दिन था वसंत पंचमी का। तभी से वसंत पंचमी के दिन सर छोटू राम का जन्मदिन मनाया जाने लगा। पाकिस्तान के रावलपिंडी और लाहौर में भी वसंत पंचमी इतने ही उत्साह से मनाई जाती है। दोस्तों, पाकिस्तान के पहले नोबल पुरस्कार से सम्मानित गणितज्ञ अब्दुल सलाम सर छोटू राम के द्वारा चलाए गए किसान कल्याण कोष से ही अपनी शिक्षा ग्रहण कर पाए, जिस कारण सर छोटू राम को हिंदुस्तान से भी ज्यादा पाकिस्तान में याद किया जाता है। वैसे तो देश में अंग्रेजी कैलेंडर का अनुसरण किया जाता है, मगर हमारे देश का किसान हिंदू कैलेंडर के मुताबिक फसलें बोता है, क्योंकि ये हमारे देश की ऋतुओं के अनुसार है। रहबरे आजम सर छोटू राम किसानों के लिए मसीहा थे। उनका जन्म वर्तमान हरियाणा के झज्जर जिले के गांव गढ़ी सांपला में हुआ था, जो उस समय संयुक्त पंजाब का हिस्सा होता था, रोहतक के अंतर्गत पड़ता था। इनका वास्तविक नाम था राम रचपाल, लेकिन परिवार में सभी प्यार से छोटू कहकर पुकारते थे। फिर स्कूल के रजिस्टर में भी जाने अनजाने इनका नाम छोटू राम ही दर्ज कर लिया गया, और यहीं से बालक राम रचपाल का वास्तविक नाम छोटू राम हो गया, और आज उनको हम याद करते हैं रहबरे आजम छोटू राम के नाम। बसंत पंचमी के पावन दिन पर हर किसान कामना करता है कि सर छोटू राम फिर से जन्म लें, पर यह भी कहता है, छोटू राम तू पूरा उतरा अपने तोल में, इब तू वापस आ नहीं सकता किसे भी मोल में।